जी नमस्कार। जी नमस्कार। बातचीत कर रहे हैं पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ, झारखंड से। राकेश जी न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक भी हैं और लगातार इनका चैनल जो है अपने प्रभाव और अपने दायित्व बोध में भी कहिए एक नए सिरे से, क्योंकि यूट्यूब चैनलों की भरमार में नए सिरे से पेश करना एक आज की तारीख में एक कठिन कार्य है और उसमें राकेश जी लगातार बेहतर कर रहे हैं। तो आज दो दो बैठक हुई, एक एनडीए की बैठक हुई और दूसरी बैठक विपक्षी पार्टियों की हुई। तो एक में तो खैर नाम निकला इंडिया, लेकिन एनडीए की बैठक में जिस तरह से पीएम मोदी ने चिराग पासवान के साथ जिस तरह से पुचकारा, फिर गले लगाया और फिर चिराग पासवान ने भी चरण स्पर्श किया, तो इसके क्या संकेत जा रहे हैं कि उनकी जो भी मांग थी, जो शर्त थी, उसको बहुत ही करीने से मान लिया गया और उनको जो इज्जत वो चाह रहे थे वो तो मिल ही गई और उनको एक नई जिम्मेदारी भी दी गई उनके चाचा के मंत्रिमंडल में रहते हुए। देखिए, पिछले लंबे अरसे से काफी बात चल रही थी और खासकर 2000 के बाद जो देखे जो लोजपा का में लोजपा में जो टूट हुई थी और सब कुछ जो हुआ था तो उस दौर में हुआ था। और फिर विधानसभा चुनाव में भी जो बातें आई थी और उसमें जो एनडीए से अलग हो करके चुनाव लड़ना था उसको, और नीतीश कुमार को उसके कारण क्षति भी पहुंची थी और जो कुछ भी हुआ था। एक दिन कवल तक बातें होती रही लंबी में, पशुपति कुमार पारस के की ओर से भी कहा जाता रहा कि भाई वो चिराग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो हमको तो हाजीपुर से हम सांसद हैं और हाजीपुर हमारी सीट है, वो क्यों मुंगेर छोड़ जमुई छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जाने, अब उनकी क्या किससे बात हो रही है। बहुत गुस्से में भी थे, जो नित्यानंद राय से बात हो रही थी, जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे बात थी, पशुपति पारस से नित्यानंद राय की भी बात हुई थी, तो जो भी बातें हो। लेकिन आज जो है कुल मिला के जब विधिवत आ गए हैं एनडीए में चिराग पासवान फिर से, और आज एनडीए की बैठक जो 38 दलों की बैठक हुई और जो शुरुआत में जो आमना सामना हुआ, जब एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ, तो उसमें जो दृश्य देखा गया तो उसमें मेरा भी जो मन खिंचता है ना, जो होता है उसमें एक आया कि झारखंड से सुदेश महतो होते हैं आसू के, तो वो भी आमने सामने हुए थे तो उनका भी पीठ ठोका मोदी जी ने, चिराग भी सामने हुए तो उनका भी जो उनको गले लगाया, उन्हें भी चरण स्पर्श किया, कुछ कारा दुला रहा। तो इस बात से तो साफ जाहिर है कि बातें अब तक जो भी हो रही हो, अगर पशुपति कुमार पारस यह कह रहे थे कि भैया हम मंत्री मोदी मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं और हमसे ज्यादा नजदीक चिराग मोदी जी के नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ बैठकों में बैठते हैं, सब कुछ शामिल होते हैं, तो अगर 38 दलों की भीड़ है और इस भीड़ में कहीं आप किसी को यह ना कहिए कि कोई कम है, अगर सब लोग तो महत्वपूर्ण है तब तो उनको जुटाया गया है, बुलाया गया है। लेकिन उसमें जिस तरीके से मोदी जी की चिराग से सहृदयता से मुलाकात हुई तो उससे तो जाहिर हुआ है कि मोदी जी को जो हनुमान कहा जाता था, चिराग को भी मोदी का हनुमान है। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया में कहने की बात थी या इसको जुमला समझ लीजिए या कुछ कह लीजिए, इसमें पूरी हकीकत थी कि मोदी जी माने क्या बोलते हैं, एकदम करीबी से उनसे जानते हैं, उनसे मेल मुलाकात है और चिराग लगातार उनके संपर्क में रहे हैं, ठीक है ना। और आज जबकि वो आ गए हैं फिर अधिकृत रूप से, तो जो डील हुई होगी या जो बातें हुई होगी सब है, अभी भी हाजी उदयपुर का मामला है वो बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि पशुपति भी अड़े हुए हैं, चिराग भी अड़े हुए। लेकिन आज के मुलाकात से और जो उसमें बैठक से जो तस्वीरें सामने आई है, उस तस्वीर से यह अब यह जाहिर है कि खास करके बिहार में, ठीक है ना, 40 सीटें हैं लोकसभा की, 30 सीटें बीजेपी को लड़ना ही लड़ना है, तो बची जो इधर तीन पार्टी जो हो गई, आपकी पारस जी की पार्टी हो गई, चिराग की पार्टी हो गई, कुशवाहा की पार्टी हो गई और जीतन रामा जी की पार्टी हो गई, तो कुल मिला के इसमें जो घटक दल हो गए, जो एनडीए के बिहार के घटक दल, उसमें चिराग पासवान सबसे बड़ा घटक दल जो है
वो होंगे। अभी वर्तमान में सीटों के मामले में भले वो अकेले हो, लेकिन जो हिस्सेदारी की बात आएगी ना, तो उनको ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब 6 सीटें उनको हो गई, ठीक है ना, वो मिलना ही मिलना। जो अब समझ में आ रहा है, जो बातें हो रही है, इनको हम वाले को 1 सीटें मिलनी है तो 7 सीटें हो गई। उसके बाद बस ये आपको कुशवाहा है, ठीक है ना, तो 2 सीटें उधर भी ले लीजिए, तो 6 7 2 9 एक आध सीट रखेंगे बचा उचा के, कि अभी थोड़ा कतार में है, अभी ये सहनी उन्नी का क्या हिसाब किताब। आज तो वो लगते हैं कि आउट ही हो गए, लेकिन आउट होंगे नहीं, क्योंकि जो वोट का हिसाब किताब है ना, और जो विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, और तो इसका कहीं ना कहीं जो एनडीए की बैठक है, बड़ी लंबे अंतराल के बाद बैठक हुई है, अभी देखने की जरूरत है। तो इसको सीधे इस तरह से कहना कि अनायास ठीक है मिलने के लिए बुला लिया, कुछ नहीं, नहीं, ये विपक्ष की बैठक का जवाब भी है, क्योंकि जो तारीख का चुनाव है और सब कुछ है, तो 38 दलों को जुटाना, तो बीजेपी चाहेगी कि मेरे कुल में और भी बढ़ जाए, क्योंकि नड्डा जी का बयान भी आया था कि भाई हमने किसी को नहीं छोड़ा, और जो छोड़ के गए भी उनके लिए हमने दरवाजा हमेशा खोल के रखा है, उनके प्रति हमारे मन में कुछ जुड़ाव है। और यह बात है भी है, नहीं तो 333 की माने पार्टी जो है ना बीजेपी का, जो हिसाब था, तो 38 में बीजेपी 300 छोड़ दीजिए तो बचा क्या है, तो 38 एक एक सीट भी नहीं है सबके पास ना, तो सहयोगी है उस हिसाब से, तो ये है। और चिराग की अहमियत तो दिखी है, और हमको लगता है कि ये मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं, जो अगला विस्तार हो, और हाजीपुर की सीट वगैरह जो है वहां से लड़ना होगा। और कुल मिला के अब जो है, जो पारस गुट के पारस अब खुद असहज हो गए, अब उनके उनका ही क्या बोलते हैं, उनका ही अब भविष्य हाँ, सुरक्षित नहीं है। जिस समय पीएम मोदी और चिराग पासवान आपस में मिलजुल रहे थे, उस समय बगल में ही थे पशुपति कुमार पारस, और उनके चेहरे पे तो जाहिर सी बात है कि खुशी तो नहीं दिख रही थी। हाँ, मैंने शून्य था उन चेहरा, मैंने भाव शून्य हो गया था उस समय, की क्या मतलब वो सोच रहे हैं, क्या आ रही है बात, पूरे परिलक्षित नहीं हो रहा था। तो कुल मिला के है ना, कि अब खुद जब अपने भविष्य का, उनका भविष्य पर तलवार है, ठीक है ना, तो वो अपने भतीजे प्रिंस के लिए क्या पकड़ कर पाएंगे, और शेष जो उनके और 3 साथी बचते हैं, सूरजमान के भाई चंदन सिंह हो गए, बीना देवी हो गई वैशाली, और एक खगड़िया वाले हो गए, तो हमको तो लग रहा है कि जिस तरीके से वहां भी बेचैनी है, तो उसमें बीना देवी को तो कहीं ना कहीं समायोजित चिराग पासवान कर ले, एक ठीक चीज है। आपको और क्या आपने महसूस किया कि इसका मतलब है कि एक तो बिहार भाजपा के संपर्क में न चिराग पासवान थे, न बिहार भाजपा इनके संपर्क में थी, ये तो हो गया। तो सीधे ये डील हो रहा था ये केंद्रीय हस्तक्षेप से, मैंने हाईकमान के ही माध्यम से, और उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे नित्यानंद राय जी, और उसमें भी यह जो ट्रीटमेंट से दिखा पीएम मोदी और चिराग पासवान के बीच में, कि इसमें डायरेक्ट कहीं ना कहीं पीएम मोदी का हस्तक्षेप था, तभी जो है जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी इस तरह से इनके साथ मैंने ये कर रहे थे, मैंने बातचीत कर रहे थे। देखिए, राजनीतिक अनुभव की बात है, तो मोदी जी का भी अनुभव ऐसा तो नहीं है कि हवा हवाई आ गए हैं, पीएम बन गए हैं। उनसे पहले उन्होंने गुजरात को भी संभाला है, उनको संगठन का भी लंबा अनुभव है। अमित शाह का भी, ये भी वही बात है, जेपी नड्डा भी होते हैं तो आज नहीं, पटना यूनिवर्सिटी के जमाने से और सब कुछ, वो भी पुराने संगठन करता है। नित्यानंद राय की बात भी रही है जहाँ, तो उनको मैंने देखा हुआ है कॉलेज के दिनों से, जब वे बीजेपी की राजनीति करते थे और सब है, और उन्होंने बहुत सलीके से अपने को आगे बढ़ाया, स्थापित किया है उस दौर में। स्थानीय स्तर पर जो एबीवीपी में कई चेहरे होते थे, उनमें बहुत कद छोटा होता था नित्यानंद राय का, लेकिन बाद के दिनों में वो अपने को स्थापित किया और तरीके से आगे भी बढ़े। और आप इस दौर में देखेंगे, जो आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी से कहीं ना कहीं तो है, अब तो बात को छिपी नहीं है, अब जाहिर है बीच में जो भी होता था, और अभी जो कहिएगा कि इतना समय क्यों लगा, तो भाजपा कहीं ना कहीं जो तमाम सहयोगी दल है जिनको लिया अभी भी जो है, सब सबको परख रही थी, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी देखना चाह रही थी, बहुत तरह से उनका क्या बोलते हैं, उनका टेस्ट भी, परीक्षा भी ली गई है। आप नवादा की सभा में बोल देना अमित शाह का कि भैया हम 40 सीट पर लड़ेंगे चुनाव, और नवादा भी लड़ेंगे, भाई तो नवादा तो आपकी सीट नहीं थी भाई, तो उनकी सीट है, मैंने ठीक है पशुपति पारस के कोटे की सीट है सब है,
तो सब लोग बहुत आक्रामक होके नहीं आए, लेकिन चिराग ने कहा कि ठीक है तो आप लड़िएगा, वो लड़ेंगे तो ठीक है, उनका काम है, उनकी पार्टी है, हमारा भी पार्टी है, हम भी 40 सीट पर तैयारी कर रहे, लड़ेंगे। तो परीक्षा हर एक जगह से ठोक बजा के इनको परखा गया, ठीक है ना, और तब कहा कि नहीं भाई अब आओ, तुम आओ, अब चाचा उचा जो होगा उनको समझ लिया जाएगा। तो ये आज का जो तस्वीर है ना और बैठक, उसमें हमको लगता है जो बिहार से अगर जोड़ करके देखेंगे तो सबसे बड़ी तस्वीर वही है, ठीक है ना, चेहरे जो भी हों और उसके जिस रूप से उस बैठक से क्या बातें आएगी, वो तो आएगी अभी थोड़ी देर में, और सब बातें होंगी, तरह तरह की बातें, पक्ष विपक्ष में जो कहना होता है नहीं होता है वो सब होगा, लेकिन बिहार को जोड़ करके देखेंगे तो ये तस्वीर आज की बड़ी तस्वीर। और इसमें चिराग के बाद अगर झारखंड में भी हमको लगा था, सुदेश को भी व्यक्तिगत रूप से वो पहचानते हैं मोदी जी, और जो है उसकी अहमियत को जानते हैं कि नौजवान है कुछ है, तो इस तरीके से। क्या ये एक ऐसा कोई ये रहा कि एक तरफ क्या इन सब चीजों को विपक्षी नेता भी देख रहे थे और इससे महागठबंधन की सरकार में भी कहीं ना कहीं एक चिंता कह लीजिए या कहीं कोई परेशानी सी दिख रही है कि आज विपक्षी मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री प्रायः सभी लोग प्रेस वार्ता से पहले ही निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी मैंने एनडीए की जो एकजुटता फिर से दिखी उससे क्या महागठबंधन खेमे में कहीं चिंता घर कर गई है? देखिए चिंता, चूंकि जो विपक्ष का जो कुनवा है ना, भले इंडिया का नाम नया भी दिया गया है, इंडिया कहने के लिए और सब है, ये कहने के लिए जुबान पर चढ़ता है, नहीं है इंडिया जो शब्द है, तो यह है कि इसको बहुत तरीके से नहीं होता है इंडिया 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 करके, आप इंडिया के विरोधी हैं फलाना, तो इस तरह का जो परसेप्शन है वो सब होगा। तो लेकिन बीजेपी भी उसका सलीके से जवाब दे, उसके भी कहने के लिए बहुत कुछ है, अपना कुछ है। और यह तो छिपाने न है कि आज भी जो हमला जिस तरीके से मोदी जी ने बोला इधर, कि कहा कि जो है जातिवाद की दुकान है और ये भ्रष्टाचार की दुकान है, ये जातिवाद का जहर बेचते हैं और भ्रष्टाचार का जो है गारंटी, और जो कुछ भी बातें पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन आज जो है बैठक के समानांतर जो बातें आई, और ये है भी है खुली किताब तो है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब यह कह लेना कि हमको जवाब दिया जा रहा है, अगर सचमुच हम कसूरवार होते तो विपक्ष के नेताओं से तो आज जेल भरा रहता, ठीक है ना, चूंकि सब भ्रष्टाचारी है तो क्यों नहीं जेल में है, क्यों बाहर है, क्या है, तो ये कहने के लिए और मूल्यांकन करने के लिए ठीक है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन बेचैनी तो होगी ना, जिस तरह से होगा कहने के लिए जाएगी कि भाई आप तो भ्रष्टाचारी की 26 जमात, हमारे यहाँ तो 38 38 लोग है सब, ठीक है, पगार ऊपर चारों चलेंगे, कि एनडीए के खेमे में भी ऐसे नहीं है कि दूध के धुले ही सब है, वहां कोई जातिवाद, सब जातिवादी, चिराग जो है तो क्या वो क्या है, वो भी तो जातिवादी वंशवादी, नहीं तो और क्या है, जो राजभर आए हैं वो भी तो वही है सब है, अगर शरद शरद पवार से टूट कर अजीत पवार गए हैं तो वो कौन है और क्या है, वो सब खुली किताब, और आरोप प्रत्यारोप चलेगा, लेकिन है कि 37 का जुटान और भी बढ़ने भी वाला है, कुनबा जो है तो ये तो जोड़ तोड़ के अभी ठीक है 26 किए हैं, आज जो बैठक हुई ठीक है नाम हो गया, इंडिया नाम रख लिया गया, लेकिन तुरंत बात आई आप देखे कि सीताराम येचुरी आके जो मैंने तालमेल में जो परेशानी है बाधा, कि बंगाल में ममता बनर्जी के साथ वह सीपीएम और कांग्रेस कैसे होगा, जो भी हाल तक पंचायत चुनाव में जो दृश्य बने हैं सब कुछ है, तो असहज मुद्रा में तो सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में भी हमारा ममता बनर्जी से कोई तालमेल नहीं होगा, है ना, अभी संयोजक बनने की बात थी, जो बना है जो मोर्चा उसका अध्यक्ष बनने की बात है, कुछ नहीं है, फिर महाराष्ट्र पर डाल दिया गया है, मतलब महाराष्ट्र में बैठक होगी तो ठीक, वहां उद्धव ठाकरे है, फिर शरद पवार हुआ, तो कुल मिला के नीतीश और लालू प्रसाद, ठीक है ना, जो कुछ कहीं मंशा लेके गए थे कुछ लेकिन, तो दोनों अभी तो तत्काल दोनों का समस्या समाधान नहीं हो रहा, जो राजनीति स्वार्थ की बातें हैं कि भाई नीतीश जी जाएंगे दिल्ली करेंगे तो हम इधर हमारा तेजस्वी जी करेंगे, तो अभी तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरी बैठक में क्या होगा नहीं होगा बातें आएगी, तो असहज करने वाली बातें तो है, और आज की बैठक में कुल इतनी ही बातें हुई है कि चूंकि ममता बनर्जी को बोलने देना और केजरीवाल से बुलवाना और उद्धव ठाकरे से बुलवाना, ठीक है, और जिन्होंने शुरुआती पहल की नीतीश कुमार ने, उनको जो दो शब्द कहने के लिए भाई होता ना, रहना चाहिए था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमने जो
यात्रा शुरू किया, नहीं, यहाँ तुम्हें पहुंचा है। जो एनडीए की मजबूती एक मंच पर दिखी जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी रिसीव कर रहे हैं जब पीएम मोदी आते हैं, फिर उसके बाद मंच पर जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा से भी मिलते हैं, उसके बाद चिराग पासवान के लिए उनका अलग ट्रीटमेंट तो दिखा ही, वहां रहते हुए पशुपति पारस से पीएम मोदी की नजर तो मिली ही होगी, लेकिन उस तरह से कोई बातचीत नहीं दिखी, मैंने स्टेज पर मतलब बातचीत में तो साफ जाहिर है ना कि जिस जिस बात पर खींचतान चल रही थी, ठीक है ना, और अभी भी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं तो एनडीए को असहज कर रहा है ना। आप एनडीए के हिस्सा हैं, अगर बीजेपी उसको लीड कर रही है और चाह रही है कि ठीक है भैया आप आइए, आज की आपकी जितनी ताकत है उस हिसाब से ही ना बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ताकत चिराग के मुकाबले नहीं दिख रही है। तो हम कह रहे हैं तो मिल बैठ के करिए ना, अगर आप एनडीए के सिर्फ चिंतक हैं तो कुछ त्याग की बातें भी कर लीजिए ना। आपको दूसरा सीट आइए, समायोजित करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप हाजीपुर पर ही रिजिट रहेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी होगी उधर भी, नहीं समझ रहे, इसीलिए उनको हो गए कि ठीक है भैया तुम है रहिए, और कुछ जो सामान्य तौर पर जो समझा जाता है ना, और होता भी है राजनीति में, भी वही है जो हम आप सोचते हैं ना, नॉर्मल कोर्स में भी सोचता, वो होता भी है, ऐसा तो दिखता भी है ना। 10 लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं तो 10 लोगों के साथ सब 10 तरह से मिलता है, किसी से दूर से नमस्ते कर लिया, किसी से हाथ मिल लिया, किसी से गले लग लिया, तो ये तो है, तो गले लगने और देखने में तो चिराग को तो हमने दिया ही ना मोदी, तो उसमें तो है कि पशुपति जी की अब स्थिति बहुत मजबूत नहीं रह गई, और उनके लिए बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि अब तो उनके साथ जो लोग गए थे उस समय, जो सूरज भान वगैरह जो, तो अब उन लोगों को तो अपने बाजू की तलाश है ना, वहां तो बेचैनी वहां हो गई। अब चूंकि चिराग जो है वो सीटें लाएंगे और देंगे, तो क्या गारंटी है वो देंगे कि, उनका कहना है कि जो हमको जो रोड पर लाने की कोशिश में था, जो हमारी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश में था, उनसे हम समझौता नहीं करेंगे। तो क्या सूरजमान भी तो उसी में थे ना, भाई चंदन सिंह गए और थे इससे वहां, तो यह क्या भी लग रहा है कि जो विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई एक आंतरिक रूप से समझौता हुआ है, उसमें मान लीजिए कि अगर 5 से 6 सीट भी और एक राज्यसभा की सीट मिलती है तो 6 या 5 संसदीय सीट में तो करीब 35-40 से 45 विधानसभा की सीट आ ही जाती है, हाँ। तो इस नाते विधानसभा में भी जो लोजपा रामविलास की जो अधिकता रहेगी और एक मुख्य घटक दल के रूप में अहमियत में रहेगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जो हमको जो व्यक्तिगत रूप से लगता है ना, जो अब तक जो समझौता वगैरह देखते रहे हैं, चाहे लाख कितनी भी मजबूरी हो जाए, कितना भी ब्लैकमेल हो जाए, जो जीती सीटें हैं कोई नहीं छोड़ता है कभी भी नहीं, उसके बदले ट्रांसफर इधर उधर कर ले, सब कुछ कर ले, तो बीजेपी स्वाभाविक रूप से ज्यादा सीटें जीते हुए माने एनडीए फोल्डर में, वो अपनी सीटें छोड़े भी नहीं, तो बंटवारा होगा जो बची हुई जो सीटें, ठीक है, तो बची हुई सीटों पर दो बंटवारा होगा, दो तो सौ उसमें से तैता 243 सीट में भाजपा के पास अभी भी 80 से नीचे ही है, 75 के आसपास है। हाँ, तो उतना तो कम से कम उतने ना छोड़ेगी, उसके बाद भी तो बहुत सीट बच जाता है ना मिलजुल करके बांटने के लिए, तो उसमें लोकसभा सीटों के आधार पर भी अभी देखा जाएगा ना कि किस क्षेत्र में कहाँ वोट आया, क्योंकि तो लोकसभा में जीत होती तो उसमें तो कई कई विधानसभा क्षेत्र भी है ना, तो उसमें जो वोट आए सब कुछ हुआ, तो फिर बैठ के जुड़ जाने की उस पर बातें होगी, तो उसमें अगर ये जीत जाते हैं चिराग की पार्टी जो है, अच्छी खासी अगर सीट ले आती है, 5-6 सीट अगर मिलता है, अगर 6 सीट जीत लेते हैं, चिराग ने तो दम भरा है कि भाई पिछले बार तो 1 सीट बच गई थी, 39 सीटें ही हम जीत पाए थे, इस बार तो 40 की 40 सीटें जीतना, हमको हर हाल में एनडीए को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है, जो बात कह रहे हैं, तो अगर वो अपने 6 सीटें जीत लेते हैं या जो मिल जाए 5 ही मिल जाए जो भी वोट आए, तो जीत लेते तो उस हिसाब से भी गुना करेंगे, तो उनको तो ठीक ठाक वही आप तो ठीक अनुमान लगा है, तो कम से कम 44-45 सीट तो मिल ही जाएगी। तो एक आखिरी सवाल कि वे अंतत्वगत्वा आज पीएम मोदी को फिर से उनका अपना हनुमान मिल गया चिराग पासवान के रूप हाँ, हनुमान थे ही, लेकिन आज फिर से एक बार जो है हो गया, मैंने खुले तौर पर हो गया कि हाँ है हनुमान है भाई, तुम बाकी हमारे प्रिय हो है ना, और है रहोगे और अच्छा से रहिए, बुलंदी से रहिए, बातचीत ये के तो लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्ते।